छात्र नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। जैसे ही ये मुद्दा सेंसिटिव वाली बात है, यहाँ लोगों को जैसे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ जमा है। आखिरकार क्यों, क्या कहानी है, आपको बताते चलिए। खपड़ा पंचायत के उत्तर साइड एक पड़वा नदी, जिंदा नदी बहते हैं, रेहुआ घाट में एक अनजान शव का बरामदगी हुआ है और पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी जानकारी जुटाने में लगे हैं। यहाँ के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आखिरकार ये सब क्या है, किसका है, कहाँ से आया है, ये सब चीज़ों को हम लेकर के बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए, यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे। और कैसे पता कुछ था कि क्या पता चला यहाँ? अभी मेरा पता चला तो देखने आ गए। ये इन लोगों को कुछ खास जानकारियाँ नहीं है और यहाँ के जैनवीन जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आखिरकार पुलिस प्रशासन के भी लोग आए। सर, क्या कुछ जानकारी मिला अब तक? सर है, आ रहा है, वही बताएगा। अच्छा, अभी कुछ जानकारी ये नहीं पता चला? सर अभी जानकारी ले रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। क्या कुछ पता चला, कौन है? वो तो गांव की आदमी है, वो उसका नाम इस्माइल है। कैसे क्या हुआ ये सब चीज़? वो सब वो पहले से वो सही था, वो बात करके उसका आँख भी खराब हो गया, आँख करने गया, वो घर आया फिर उसका जब जानकारी मिल गया कि गांव का ही है। गांव का ही है, का ही है। कौन है? मेरा चचेरा भाई है। अच्छा, कैसे क्या हुआ ये सब चीज़ को अभी पता चला क्या? अरे घर घर से वो बिछावन से वो उठ के निकल गया था। कई दिन से लापता था ये? आज 10-11 दिन हो गया आज। देखिए, ये भी सोचने वाली बात है, 11-10 दिन से घर से लापता है और आज उसका यानी एक लाश के तौर पे उसका सब मिला है। उस इंसान का क्या कुछ कहानी था, ये सब चीज़ को अब तक गहनता से जांच करने की विषय है। कोई कहानी नहीं है। हाँ, कोई कहानी नहीं है। देखिए, ये अपने आप खुलासा कर रहे हैं कि कुछ कहानी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी जानकारी अपने एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उसका एक अलग नज़रिया रहता है कि उसको जानकारी करने का जो नियम है उस चीज़ को हम लोग साझा नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है कि खबर को बताना। क्या क्या पता चला, कैसे क्या कुछ हुआ था? नहीं, ठीक है, कोई सा पता नहीं। देखिए, गाँव की महिला है, उनसे हम बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ हुआ। लेकिन देखिए, पुलिस के लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं, हम भी खुलासा नहीं करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। अब महिलाओं से हम बात करेंगे आखिरकार कैसे ये सब चीज़ों को पता चला। रोते बिलखते हुए महिला नज़र आ रहे हैं। उधर से आ रहा भाई सब, उधर से बनाना वीडियो। जितना भी माता बहन है दिखाइए, एक बार वीडियो में दिखाइए कि लोग भाग रहे हैं माइक देख करके, लेकिन भागने की बात नहीं है। देखिए, महिलाएँ रो रहे हैं, इनके घर के परिवार के लोग हैं। कौन था ये सब पता है चाची? ये घर त्यौहार है, काटे वही तो ये घर से बाहर है गेल तो कहीं उधर गई है। आप बारिश भी थी, मकई तक खेत भी थी तो ये आनी बनू बदना ने बाहर बिल दो तो हमारा बाहर नहीं बनू तो कहीं कहाँ हो तो एक दिन ढूंढू तो फिर ये ढूंढते नहीं पानू तो फिर नहीं पानू तो वही बैसी फिर ये करनू थाना खबर करनू जब क्या हारे गई है तो ढूंढ छा भाई भी है तो आरो नहीं पाही नहीं पानू। अच्छा, ये 10-15 दिन पहले लापता हो गया था? हाँ। कौन था आपका? इनका ही पति है, बड़ी सेंसिटिव। ये सब देखे परिवार के लोग हैं, रोते बिलखते हुए। इनका ही पिताजी था, ये जो कहानी अभी सुनने को मिल रहा है। आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ कुछ पता है? यहाँ पे था, वो बॉडी दिखाई पड़ता था उधर से। अच्छा, ऐसे गांव के लोग देखे हैं? हाँ, आदमी देखा जैसा अभी है ना। हाँ। तो वो आदमी देखा तो पता है ना, देखने आया तो देखा तो वही है ना। देखिए, कहानी क्या है, पर्दे के पीछे की बात है, आखिरकार किस प्रकार से ये चीज़ों को नहीं अंजाम दिया है, आखिरकार अपने खुदकुशी किए हैं या किसी बीमारी की वजह से, ये चीज़ हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छा, ये बातों को पुलिस प्रशासन का नहीं जांच का विषय है, वो जांच करेंगे। उसकी क्या कहते हैं, लेब रिपोर्टिंग आएंगे, जब तक नहीं तब तक खुलासा नहीं हो सकता है। कोई भी हो सकता है, साजिश के तहत मार देंगे और बीमारी का नाम दे देंगे, ये भी हो सकता है। अड़ोस पड़ोस का लोगों से किसी तरह बात विवाद भी हो सकते किसी प्रकार को लेकर के, जैसे आज में समाज में चलते हैं। ये सब चीजों को जब तक पुलिस प्रशासन खुलासा नहीं करेंगे तब तक खुल करके हम कुछ नहीं कह सकते। एक संदेह के तौर पे हम बता सकते हैं कि आखिरकार ये सब चीजें हो सकती है। ये देख सकते हैं कि लाखों के भीड़ में जो कि यहाँ की लोगों का मौजूदगी है, और एक बार नदी की तरफ दिखाइए, नदी में जो लोगों का एक मौजूदगी है, आखिरकार चीजों को जैसे ही सुने, ये वायरल क्या कि सेंसिटिव वाला बात है, जैसे ही लोगों को पता चलता है चौक जाते हैं, दौड़ भाग दौड़ करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन जब तक यानी कि अपनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ों का खुलासा नहीं होगा। आइए एक बार हम फिर से उस नदी के तट पे जाते हैं जहाँ की ये लाश बरामद हुई है। ये लोगों का हुजूम है, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, यह रेहुआ घाट के समीप एक घटना हुई है।
घटना की बात अगर हम करें तो 11 दिन से लगभग घर से लापता थे ये व्यक्ति। घर से लापता होने के कारण ये सब चीज़ों को पुलिस थाने में आवेदन किया गया था। पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में ये केस था कि यह व्यक्ति घर से लापता है, और इस अकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन भी खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन आज उसको इस तरह की पता हाथ में लगा कि यह सबके तौर पर रहुआ घाट में मिला गया है। और घर के लोग भी कह रहे हैं कि कुछ बीमारियां थी इसकी मानसिकता तौर पर। आखिरकार ये सब चीज़ें पुलिस प्रशासन ही खुलासा करेंगे। प्रशासन के लोग जैसे ही कुछ जानकारी जुटाए हैं, आखिरकार क्या सर, क्या मुद्दा समझ में आया कुछ? अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अभी पता चल गया कि परिचय हो गया कि कौन है? हाँ, यहीं बगले के हैं। कौन गाँव? बरारवा। इसका पोस्टमार्टम के प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगा। आपका सर परिचय? हम बायसी थाना से हैं। बायसी थाना के यानी पुलिस कर्मी के तौर पे लोग आए हैं, शशि कुमार जी। वहाँ चीज़ों को अब तक वो देखे हैं, अपनी बातों को रखेंगे, पोस्टमार्टम होंगे, उसके बाद ही ये प्रक्रिया पता चलेगा कि किस प्रकार से इसकी मौत हुई थी। ये चीज़ों को यानी गहनता से जांच करने की विषय है। लोगों को इस वहम है कि मानसिकता तौर पे इसकी मौत हो गई, ये साजिश भी हो सकता है, ये किसी का यानी बदला भी हो सकता है। ढेरी विषय, ढेरी चीज़ों को यानी पॉइंट व्यू बन रहा है यहाँ। ये सब चीज़ों को जब तक यानी गुत्था समझेगा नहीं, सुलझाएंगे नहीं, तब तक हम लोग इस खबर को लगातार आपके बीच तक रखेंगे कि बीमारी के तौर पे मरे, आज किसी साजिश के तहत मरे, आज खुदकुशी के, ये सब चीज़ को जानने की विषय है। जब तक जान नहीं लिया जाता तब तक हम इसमें खुलासा नहीं कर सकते। आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।